गाइस, आज के सेशन में हम बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन क्या होता है गाइस? जब भी हम एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल, कॉलेज, क्लासरूम, टीचर्स, बुक्स, पढ़ाई, यही सब आ जाता है। लेकिन एजुकेशन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। एजुकेशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, तो आज के सेशन में गाइस हम इसको समझेंगे कि एक्चुअल में एजुकेशन है क्या। अगर हम एटाइमोलॉजिकली देखें तो एजुकेशन तीन शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है ट्रेन करना, नरिश करना, किसी चीज को अच्छा करना और बेहतर करना। एडुसेयर का मतलब होता है निकालना, एंड एडु को मतलब होता है एक्सट्रैक्ट करना। मोर और लेस तीनों शब्दों का मतलब आपस में मिलता जुलता ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे मिलकर के एजुकेशन बना है। तो आप समझेंगे एजुकेशन एक्चुअल में है क्या। एजुकेशन गाइस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, बर्थ टिल डेथ। ठीक है, तो पूरी लाइफ में जो भी चीजें हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, वो सब कुछ एजुकेशन का पार्ट है। एजुकेशन में क्या आता है? लर्निंग आती है, स्किल्स आते हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, हैबिट्स हैं, सब कुछ आपका ओवरऑल एजुकेशन के अंदर आता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये चलती ही रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप कहीं भी बैठे हैं, कोई भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस मिला है आपको, वो एजुकेशन के अंदर आएगा। कोई भी नॉलेज आप ले रहे हैं तो किसकी हेल्प से ले रहे हैं? एजुकेशन की हेल्प से ले रहे हैं। जितने भी स्किल्स हैं, जितने भी नॉलेज है, क्लासरूम में आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, आपका माइंड जो भी चीजें सीखता है वो किसकी वजह से सीखता है? एजुकेशन की वजह से। कैसे सीखता है? क्योंकि एजुकेशन जब आपको मिलती है, फॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो एक बच्चा है, छोटा है, ठीक है, वो स्कूल जाता है, वहां वो फॉर्मल एजुकेशन को लेता है, वहां वो दिमाग को यूज करना सीखता है कि कैसे हम उठेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे क्लास में खाएंगे। तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है, तो यहाँ पर चीजें सीख रहा है, नॉलेज ले रहा है, सारी चीजें वो सीख रहा है। तो यहाँ पर एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज एक्वायर करना, स्किल सीखना, हैबिट सीखना, ये सब कुछ क्या है? एजुकेशन का पार्ट है। तो गाइज अगर हम समझे तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन से ही मिलती है। अब जो भी बच्चे के अंदर हिडन टैलेंट है या जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, वो सब कुछ कैसे निकल के आती हैं? एजुकेशन की हेल्प से निकल के आती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो एजुकेशन हमें लाइफ में सब कुछ सिखाता है, कैसे किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है, वो सारी चीजें जो हम अपनी लाइफ में लर्न करते हैं वो सब कुछ एजुकेशन के अंदर आती है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी व्यक्ति, किसी इंडिविजुअल की सक्सेस काफी हद तक एजुकेशन पर ही डिपेंड करती है। अगर वन लाइन में हम समझें तो एजुकेशन में हम माइंड को ट्रेन करते हैं थिंक करने के लिए, ताकि वो बेहतर से बेहतर सोच सके, समझ कर सके, ट्रेनिंग देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स, कि ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत पॉपुलर है, किसने दिया है? ठीक है, जॉन डेवी, जो कि बहुत फेमस फिलोसोफर रहे हैं अमेरिका के, इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही है, थैंक यू सो मच। और आपको सेशन कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।